जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा की। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 2022 के एक महीने में कमाई करने वाले टॉप 5 कथावाचकों के बारे में। हम इस वीडियो में आपको इन सभी 5 कथावाचकों की एक महीने में होने वाली कमाई के बारे में बताएंगे। और हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी कथावाचक को कमाई के आधार पर छोटा या बड़ा बताना नहीं है। यह वीडियो सिर्फ इन कथावाचकों के यूट्यूब चैनल से होने वाली कमाई के आधार पर बनाई गई है। हम सभी कथावाचकों को आदर व सम्मान करते हैं। नंबर 5 पर आती हैं राजस्थान की मशहूर कथावाचिका देवी जया किशोरी जी। इन्होंने मात्र 19 वर्ष की उम्र में भक्तों के दिल में भजन और कीर्तन से जगह बनाई है। इनके यूट्यूब चैनल पर 17 लाख से भी ज्यादा सदस्यों का परिवार मौजूद है। और अगर हम इनकी एक महीने में होने वाली कमाई के बारे में बात करें तो यह 3000 से लेकर 49000 तक डॉलर कमाती हैं। YouTube इनकी न्यूनतम व उच्चतम कमाई को बताता है, परंतु हम आपको इनकी निश्चित कमाई के बारे में बताएंगे। इसके लिए हमें इनकी एक महीने के कुल व्यू को देखना होगा, जो कि 12 मिलियन है। तो अब हम इसमें 10 लाख का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो अब गुणा करने पर हमें 1,20,00,000 प्राप्त होता है। ये तो है इनके एक महीने के कुल व्यू। अब हम इनमें 1000 का भाग देंगे, क्योंकि YouTube 1000 व्यू पर $1 देता है। अब हमें प्राप्त होता है 12000। ये डॉलर में है, इसको भारतीय रुपए में बदलने के लिए 80 का गुणा करना होगा, क्योंकि $1 की कीमत भारत में 80 रुपए है। तो अब आती है इनकी एक महीने की कमाई, जो कि 9,60,000 है। अब नंबर 4 पर आते हैं वृंदावन के मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। इन्होंने मात्र 13 वर्ष की उम्र में भागवत पुराण को कंठस्थ कर लिया था, और इनको 2015 में यूपी रत्न से विभूषित भी किया गया है। इनके यूट्यूब चैनल पर 40 लाख से भी ज्यादा सदस्यों का परिवार मौजूद है। और इनकी एक महीने की यूट्यूब से होने वाली कमाई के बारे में बात करें तो यह 5000 से लेकर $85,000 तक कमाते हैं। इनके एक महीने में कुल व्यू 21 मिलियन है। तो पहले जैसे गुणा भाग करने पर हमें 16,80,000 प्राप्त होता है। तो श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज YouTube से एक महीने में 16,80,000 रुपए कमाते हैं। अब नंबर 3 पर आते हैं सीहोर मध्य प्रदेश के रहने वाले मशहूर से पुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले। इनका उपनाम रघुराम है। इनके YouTube चैनल पर 36 लाख से भी ज्यादा सदस्यों का परिवार मौजूद है। और कमाई के बारे में बात करें तो यह YouTube से हर महीने 8000 से $134,000 को कमाते हैं। निश्चित कमाई के लिए हमें इनके एक महीने के कुल व्यू को देखना होगा, जो कि 33 मिलियन है। पूर्वी की तरह गुणा भाग करने पर हमें 26,40,000 प्राप्त होता है, और यही इनकी YouTube से एक महीने की कमाई है। अब नंबर 2 पर आते हैं बागेश्वर धाम सरकार। इनका असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, और यह छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं। इनके YouTube चैनल पर 25 लाख से भी ज्यादा सदस्यों का परिवार मौजूद है। और इनकी कमाई के बारे में बात करें तो यह एक महीने में 13,000 से $220,000 कमाते हैं। निश्चित कमाई के बारे में बात करें तो इनकी कुल व्यू 55 मिलियन है। तो गुणा भाग करने पर हमें 44 लाख प्राप्त होता है, और यही इनके यूट्यूब से एक महीने की कमाई है। अब नंबर 1 पर आते हैं वृंदावन के मशहूर कथावाचक परम पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था, और इन्होंने छोटी सी ही उम्र में हनुमान चालीसा को कंठस्थ कर लिया था। इनके YouTube चैनल पर 85 लाख से भी ज्यादा सदस्यों का परिवार मौजूद है। और इनकी YouTube से होने वाली कमाई के बारे में बात करें तो यह सभी कथावाचकों में बहुत आगे है। यह YouTube से 30,000 से लेकर $487,000 तक कमाते हैं। निश्चित कमाई के बारे में बात करें तो कुल व्यू को देखना होगा, जो कि 121 मिलियन है। तो हमने जैसे पहले गुणा भाग किया था वैसे ही करेंगे, तो हमें 96,80,000 प्राप्त होगा। यही इनकी YouTube से एक महीने में होने वाली कमाई है। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।